आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये गुडविल चैप्टर से ये, और इस क्वेश्चन का नाम है भास्करन पिल्लई। तो यहाँ पे दो पार्टनर हैं और फिर से हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें गुडविल फाइंड आउट करना है, लेकिन इसमें एक नई चीज भी फाइंड आउट करनी है। लेकिन वो क्या है वो हम क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आगे पता करते हैं। पहले बात करते हैं हम यहाँ पे कि क्वेश्चन में हमारे पास एडजस्टमेंट क्या क्या गिवन है। हमें इन्होंने फिर से हमेशा की तरह प्रॉफिट दे दिया है 2021, 2022 और 2023। तो हमने प्रॉफिट भी यहाँ पे लिख लिया है। एक साल में यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस भी हुआ है। 2022 में क्या हुआ है, 20,000 का लॉस हुआ है। आपकी बुक में से ब्रैकेट करके दिखाया होगा, मैंने इसे यहाँ पे डायरेक्टली माइनस लिख लिया है। ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे यानी कि लॉस में है, तो लॉस वाले को मैंने माइनस लिख लिया है। अब पढ़ते हैं बारी बारी एडजस्टमेंट किसको ऐड करना है, किसको लेस करना है। ऐड किसको करना है, लेस किसको करना है, उसके लिए पहले मैं एक लिस्ट शेयर कर दे रहा हूँ स्क्रीन पे। आप वीडियो को पॉज करें, इसको नोट करें अगर पहली बार है वीडियो पे नए, तो इसको नोट करने के बाद फिर हम वीडियो को कंटिन्यू कर देंगे। तो फिलहाल हम वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं, आप इसे पॉज करके लिख लीजिएगा। अभी क्या है हमारे पास, पहली एडजस्टमेंट देर से ही कि भाई 2021 में 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, जो कि कितना है 5,000 रुपीज। तो जो सेल ऑन एसेट होता है ना, हमें प्रॉफिट हो गया अगर कोई भी ऐसी पुरानी एसेट जो हमने बेची और उसको बेचने पे हमें प्रॉफिट हो गया हो, कितने का, हमें यहाँ पे 5,000 का बोल रहे हैं। तो अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एडलेस की लिस्ट में आप देख सकते हो, इसे बोलते हैं हम एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करा, माइनस कर देंगे 5,000, ठीक है, हमने लिख लिया। इसके बाद है 2022 में हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो प्रॉफिट की जगह यहाँ पे लॉस हुआ है, जिसमें कि है इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर 30,000। तो जो लॉस बाय फायर है ये एक तरह का एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड करते हैं लिस्ट के अकॉर्डिंग, आप चेक कर सकते हैं। फिर हमने इसे क्या करना है, ऐड कर देना है। तो कितना होगा 30,000, तो प्लस का 30,000, ठीक है, तो प्लस का 30,000। नेक्स्ट एंट्री में आते हैं जो कि 2023 की है, 70,000 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन लिखा है इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव। अगर आप लिस्ट को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा ये दोनों ही चीज क्या होती है, माइनस होती है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है। किस किस को माइनस कर रहे हैं, एक तो इंश्योरेंस को हम माइनस कर रहे हैं, इंश्योरेंस क्लेम को, और दूसरा हम इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव जो हमें मिला है उसको भी हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 18,000 को माइनस करना है और इसके अलावा 8,000 को भी यहाँ से माइनस करना है। तो अभी क्या करना है, बस हमें फाइनल एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। 50,000 माइनस 5,000 कितना होता है, 45,000 होता है ना। इस तरह से हम नेक्स्ट निकालेंगे कि कितना आएगा, माइनस का 20,000 प्लस का 30,000, तो ये आ जाएगा प्लस का 10,000, ठीक। इसके बाद हमें क्या निकालना है, यहाँ पे 70,000 माइनस 18,000 और फिर माइनस करेंगे हमारा 8,000, तो जो हमारे पास बैलेंस बचेगा वो बचेगा 44,000। अभी हमें क्या निकालना है, हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट आ चुका है, हमें इन सबका टोटल करना है, टोटल करने पर आएगा 99,000। तो एवरेज प्रॉफिट अभी हमें निकालने की जरूरत है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट। सो टोटल प्रॉफिट ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है, वो कितना है 99,000 है, और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट, यानी कितने साल के प्रॉफिट गिवन है, 1, 2, 3, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 3 से। तो आंसर आएगा हमारे पास एवरेज प्रॉफिट का 33,000, ठीक है। तो 33,000 हमारा क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अभी हमें गुडविल निकालना है, तो गुडविल के लिए क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो क्वेश्चन को जब रीड करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि कितने ईयर का परचेज है, तो वो कह रहे हैं 2 ईयर परचेज है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला हमने, हमने निकाला 33,000, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, आंसर आएगा 66,000। तो जो 66,000 आया ये फर्म की गुडविल आ गई। ये जो 66,000 है ये पूरे फर्म की गुडविल है, यानी कि तीनों पार्टनर की गुडविल है इसमें, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में हमें नया ये कहा था कि हमें जस्ट फाइंड आउट करना है कि जी का कितना शेयर है फर्म में, ठीक है। तो जी का शेयर निकाल लेंगे हम, कोई बात नहीं। फर्म की गुडविल लिखो, मल्टीप्लाई कर दो पार्टनर का शेयर, तो किसका शेयर, पार्टनर का शेयर। तो जी का यहाँ पे कितना शेयर है यहाँ पे, ठीक है, जो नया पार्टनर इन्होंने एडमिट कर रहा है एक तरह से, ठीक है, वो कितना है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं 1/4 है, 1/4 मेंशन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं 66,000 जो पूरे फर्म की गुडविल है, मल्टीप्लाई कर देंगे विद 1/4, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं हमारे पास आंसर आएगा 16,500। तो ये आ गया हमारा आंसर कि भाई जो नया पार्टनर था या जो एडिशनल पार्टनर है जिसके लिए हमें पूछ रहे हैं कि उसका हिस्सा कितना है गुडविल में, तो हमने बता दिया कि भाई उसका जो हिस्सा इस गुडविल में वो है 16,500। इस तरह से क्वेश्चन होना है, और ये हो गया। अभी हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।